और इस्लाम के अंदर दूसरे अल्फाज नहीं है, अल्फाज अल्लाह ने खुद दिए और आदम अलैहिस्सलाम को सिखला कर भेजा है, ये अल्लाह ने खुद दिए। तो अल्लाह ने कहा कि किस तरह तुम मुझसे सलामती मांग सकते हो, तो असल में ये दुआ है। तो दूसरे कोई अल्फाज नहीं, जिस तरह हम देखते मज़हब के अंदर दूसरे अल्फाज होते हैं, कोई जो है उसको हाई कर रहा है, कोई हेलो बोल रहा है, कोई बाय कर रहा है, हम भी बोलते हैं, फ़ोन आता है तो यही बोलते हैं, यही बोलते हैं कि नहीं बोलते, ताहम रिवाज हो गया। अब वो गलत है सही है वो अलग चीज़ है, वो अलग बेस है, लेकिन ये है कि आम अल्फाज जो लोग बोलते हैं तो क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग बोले, ये सब अब इसको क्या कर दिया गया कि ये वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड यानी कि बोले इसको कोई भी बोल सकता है, और इस पर अब उलमाओं ने इस पर कुछ वो भी नहीं लिया कि ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, सलाम जैसा नहीं है कि आदमी को बोले सबके लिए अच्छा है, तो मुसलमान आपस में भी बोल रहे एक दूसरे को तो गुड मॉर्निंग, कई मुसलमान मुझसे मिलते सुबह सुबह बोल रहे गुड मॉर्निंग, तब बोल रहे हैं वो गुड मॉर्निंग का, लेकिन गुड मॉर्निंग या शुभ सुबह, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ये तमाम चीज़ें असल में जो था वो सलाम था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये दो लोग मिल रहे हैं मुसलमान, रात को दोनों जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उसके बाद में फिर जब बिछोड़ रहे हैं तो या तो बोले मिलते हैं कल सुबह बाय बाय, या फिर जो है हिंदी में बोल रहे थे शुभ रात्रि हो, या बोले शब्बा खैर अच्छी रात हो, ये उसको उर्दू में कर रहे हैं, जबकि असल क्या है कि वहाँ पर सलाम देना है, सलाम कहना है एक दूसरे से, वहाँ पर वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, जब मिले तो सलामती हमने एक दूसरे से दुआ की, अब सलामती के बाद दुआ हमने कर ली एक दूसरे से, मिले तब, अब वो सलामती में दोनों बैठे थे आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा सफ़र पर थे, एक दो दिन दो दिन, अब बिछड़ रहे हैं, अब उसको दुआ की खास ज़रूरत है, तब तक तो आपके साथ में ही था वो कहीं कुछ होता तो आप भी उसको संभालने वाले थे, अल्लाह तो उस पर सलामती कर ही रहा है, कुछ होगा तो वो आप भी थे उसके साथ में, लेकिन अब वो जब जा रहा है दोनों बिछड़ रहे थे, अब एक दूसरे को ज़्यादा सलामती की ज़रूरत है और सिवाय अल्लाह के अब कोई सलामती देने वाला नहीं, तो अब उनको ज़्यादा चाहिए कि वो जब बिछड़े तब सलाम करें, कि तब एक दूसरे को दुआ देकर जाए, तो हम देते हैं उसके अंदर से मिट गया, मिलते तो फिर भी करते हैं लोग, लेकिन अब जो जुदा होने से मिट गया है, एक दूसरे से अगर जुदा हों तो वो निकल जाए, तो इसको वहाँ पर भी सलामती देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह के अल्फाज इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में दुआ ही अल्फाज है कि एक दूसरे को दुआ देना, मिले तो दुआ, बिछड़ो तो दुआ, नहीं तो गुड मॉर्निंग कहें किसी के गुड मॉर्निंग, और ऐसा तो नहीं कि हर किसी के लिए मॉर्निंग गुड हो, हर किसी के लिए ऐसा तो नहीं कि हम सबके लिए गुड मॉर्निंग ही हो, तो हमेशा ही है, तो इसका कोई माना भी नहीं है, लेकिन अगर किसी का हम किसी के पास जाएं उसका बाप मर गया और हम उसको जाके गुड मॉर्निंग तो कहें मेरी तो सुबह ही ख़राब हो गई, बाप मर गया तुम मेरे को आके कह रहे गुड मॉर्निंग अच्छी सुबह है तुम्हारे लिए, तो हमको जो अल्फाज सिखाए गए वो सही अल्फाज हमको दिए, तो ऐसे अल्फाज हैं कि गम हो, खुशी हो, बीमार हो, किसा भी हो, आदमी हर कंडीशन में आपको सलाम करेंगे और इसका माना बिल्कुल दुआ है, तो इसके अंदर वो नहीं होगा।